डीजल और पेट्रोल इंजन, देखिए डीजल इंजन बहुत पावरफुल होता है, डीजल इंजन बहुत पावरफुल होता है, जबकि पेट्रोल इंजन कम पावरफुल होता है, कम पावरफुल होता है। डीजल इंजन को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसमें उसमें टर्बो फैन लगा होता है। क्या लगा होता है? टर्बो फैन। पेट्रोल इंजन को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फटाक से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसमें टर्बो फैन की जरूरत नहीं है। इसलिए डीजल इंजन का साइज बड़ा, पेट्रोल इंजन का साइज छोटा। तो हम लोग अंतर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? एक निकालते हैं डीजल और एक होता है पेट्रोल, एक हो गया पेट्रोल। पेट्रोल की हालांकि जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डीजल के जगह केवल डीजल पढ़ेंगे, अभी तो डीजल इंजन पढ़ रहे हैं ना, वहां डीजल पढ़ेंगे तो डीजल की शुद्धता सीटेन संख्या में और पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन संख्या में। आगे बढ़े, डीजल इंजन कैसा होता है? भारी। ये कैसा होता है? भारी। ये कैसा होता है? हल्का। ये वाला जो होता है इसकी क्षमता क्या होती है? ज्यादा। इसकी क्षमता ज्यादा, इसकी क्षमता कम होती है। बताइए ये लोड ज्यादा ले लेता है और ये लोड कम ले लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोड कम ले लेता है यहाँ पे, और एक लोड कम ले लेता है, इसे जो कंप्यूटर में पगला गया है। दूसरा क्या हो गया? ये महंगा होता है। कैसा होता है? महंगा होता है। और ये सस्ता होता है थोड़ा सा। कैसा होता है? सस्ता। डीजल इंजन महंगा होता है, डीजल सस्ता होता है कदा? अरे बैल सब, पेट्रोल अगर 96 रुपया है तो डीजल मिलेगा 85 रुपया या 90 रुपया, 4-5 रुपया 10 रुपया सस्ता रहता है। डीजल सस्ता होता है, डीजल इंजन नहीं। बकलोल कहकर डीजल इंजन, इसमें कार्बोरे, इसमें आपको टर्बो फैन लगाएगा, सस्ता करके देगा। इसमें टर्बो फैन लगाता है कि नहीं? टर्बो फैन। और इसमें काम किस पे चला देता है? कार्बोरेटर पे। कार्बोरेटर पे काम चला देता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है टर्बो फैन देगा, दे भी सकता है इसमें टर्बो फैन। अगर पेट्रोल इंजन बहुत बड़ा रहेगा तो क्या दे सकता है? टर्बो फैन दे सकता है। आगे बढ़े, डीजल सस्ता होता है, डीजल इंजन नहीं, डीजल इंजन महंगा होता है। अगर आप अपनी गाड़ी खरीदने जाइएगा, सपोज अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें पूछेगा कि ठीक है हम आपको फोर व्हीलर देते हैं, तो ये बताइए कि 1.6 लीटर लीजिएगा, सपोज कीजिए कि आपको गाड़ी लेना 1.6 लीटर, तो आपके सामने जब ये हो जाएगा तो आपके सामने ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको डीजल इंजन में लेना है कि पेट्रोल इंजन में लेना है, डीजल में या पेट्रोल में। अगर आप पेट्रोल में लेंगे, सपोज कीजिए कि गाड़ी 10 लाख की है, तो अगर आप कहिएगा हमको डीजल में चाहिए तो आपको ये 11 लाख की पड़ेगी। आपको यही गाड़ी कितने की पड़ेगी? 11 लाख की पड़ेगी। सेम, बस उसमें कौन सा इंजन है? डीजल इंजन। क्यों? डीजल इंजन की क्षमता ज्यादा होती है, उसका आकार बड़ा होता है, वजन भारी होता है, तो डीजल इंजन महंगा पड़ता है। लेकिन डीजल सस्ता पड़ता है। डीजल क्या होता है? सस्ता पड़ता है। एक और खराबी होती है, सोच रहा है डीजल इंजन की, इसमें ना कंपन ज्यादा होता है, इसमें कंपन ज्यादा, इसमें कंपन कम होता है, इसमें कंपन कम होता है। तो जितनी लग्जरी गाड़ियां होती है ना, जो आराम के लिए होती है, वो कौन सी होती है? पेट्रोल। कैसी होती है? पेट्रोल। और जो ये वाली होती है झंझन 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 झंझन, वो वाला डीजल। टेम्पू में दोनों आता है, डीजल वाला भी टेम्पू आता है, पेट्रोल वाला। किसी किसी टेम्पू में आप देखिएगा ना, झंझनाएगा आपको। सीएनजी भी आता है, तो सीएनजी का तो एक अलग सेगमेंट ही हो गया ना, डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो सीएनजी तो एक अलग सेगमेंट हो गया। तो आप देखिएगा कुछ जो पेट्रोल इंजन वाले टेम्पू होंगे सर, बहुत स्मूथ चलेगा सब, छोटा साइज का होगा, देखिएगा छोट होगा, आगे किसी को नहीं बैठाएगा, पिछवा तीन को बैठाएगा, दादा दादा लेके निकल जाएगा। एक होता है सोचा बड़का चिरांद टाइप का होता है, पूरा खतरनाक बड़का एकदम, झंझन 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 बोलते रहता है, सोच रहा डीजल इंजन वाला झंझन 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 झंझन। आगे कि नहीं आ गया? बड़े गाड़ियों में डीजल इंजन, छोटी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ी में, ट्रक वगैरह में, जितनी भयानक बड़ी साइज की रहेगी डीजल, छोट मोट में पेट्रोल अच्छा कि डीजल? जहां जरूरत है वहां लगाओ ना, काहे को पेट्रोल अच्छा है? ट्रक में तुम पेट्रोल इंजन लगाएगा, खींचिए नहीं पाएगा, वो ट्रक को खींचे नहीं पाएगा। फॉर्चूनर गाड़ी है, उतना हैवी है आपकी, उसको पेट्रोल से खींचिएगा। आ गया है अब शायद पेट्रोल, उसमें भी आ गया, लेकिन पेट्रोल कितना होता है? मतलब फॉर्चूनर 90% डीजल आती है, जो बिकता है 90% डीजल बिकता है, 10% पेट्रोल बिकता होगा। उतना हैवी गाड़ी को आप डीजल में लीजिए, पेट्रोल में लीजिएगा, पेट्रोल में पावर उतना नहीं होता है,
डीजल में क्या होता है पावर। लड़की लोग आप लोग बताइए, अपने लिए गाड़ी खरीदना हो तो डीजल खरीदिएगा पेट्रोल? हाँ, आराम दे वाला चाहिए। आपको कौन सा ट्रक लेके जाना है? तुम लोग हाँ, तुम लोग झंझनाते रहो लोग, डीजल लेके जाना है। लेकिन इतना भी देखिए, कार जब आप लीजिएगा ना तो उसमें इंजन में जो वाइब्रेशन होता है उसको तो कम नहीं कर सकता डीजल इंजन का, लेकिन उसको कम करने के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट लगा देता है, अच्छा सस्पेंसर लगा देता है, नॉइज कैंसिलेशन लगा देता है। तो अब नहीं पता चलता है कि आप क्या मतलब डीजल में है कि पेट्रोल में। अब तो गाड़ियां इतनी स्मूथ हो गई है कि आपको इंजन पे लाइट देख के पता चलना पड़ता है कि इंजन चालू है कि बंद हो गया, मतलब लाइट देखना पड़ता है, वार्निंग लाइट होती है ना, इंजन बंद हो जाएगा तो लाल जल जाएगा। बोलो, माइलेज कौन ज्यादा देता है? डीजल। बढ़िए, और कोई क्वेश्चन है? बस, ज्यादा माइलेज कौन देता है? डीजल इंजन देता है, उसका माइलेज थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। आगे उसमें ताकत ज्यादा होता है ना, फ्यूल खत्म होता है तो उसका माइलेज क्या होता है? ज्यादा। पेट्रोल इंजन का माइलेज कम। अब माइलेज सेम गाड़ी में मिलाया जाता है, बकलोली ने कि ट्रक का माइलेज मिलाने लगे कार से, कार तो भाग जाएगी बहुत जल्द, ट्रक में नहीं भाग पाएगी ना। सेम गाड़ी अगर डीजल इंजन का है, सेम गाड़ी अगर पेट्रोल इंजन का है, तो किसमें माइलेज देता है? डीजल में ज्यादा देने लगता है। आगे बढ़ जाए, डीजल इंजन की एक खराबी होती है, ससुरा में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगता है, उसका साफ सफाई कचरा मोबी लेन देन झमेला डीजल इंजन में बहुत होता है। पेट्रोल इंजन बहुत साफ सुथरा होता है, उसमें मेंटेनेंस कम लगता है। तो देखिए पेट्रोल इंजन में, देखिए डीजल इंजन जो हो गया, पेट्रोल इंजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बतिया बराबर पड़ जाता है। लोगों को क्या लगता है कि अच्छा डीजल इंजन महंगा मिलता है लेकिन माइलेज ज्यादा देता है, तो फ्यूल बचा लेगा। अरे जितना फ्यूल बचाएगा उतना इसके मेंटेनेंस में लग जाएगा, इसमें चल जाएगा मेंटेनेंस में। एक बार अगर आपकी फोर व्हीलर सर्विस सेंटर में जाती है, कम से कम 5,000 लगा के आइए, सर्विस सेंटर में 5,000 लगा के जाएगी। बाइक में ले जाएंगे तो 800-900 लगा के आएगी, 1500। मोबिल चेंज करेगा 1,000 रुपया, 700-800 का मोबिल चेंज करेगा, बाकी सब में उसमें सोच रहा मोबिलो पड़ेगा 5 लीटर, तो मोबिल भी तो ज्यादा पड़ेगा, मोबिल पड़ेगा बाल्टी भर उसमें, यूरिया पड़ेगा। तो जितनी बड़ी गाड़ियां उतने ज्यादा उसमें क्या होगा खर्चा, जितनी छोटी गाड़ियां उतना कम खर्चा। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का लोग आप लोग दहेज में डीजल इंजन लोगे कि पेट्रोल? छोटा सा दहेज में लेने की क्या जरूरत है तुम लोग, अपने खरीदने की हिम्मत नहीं है? हाँ,